हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्या। वैसे तो डेली रूटीन ही दिखाता हूँ मैं अपना, रॉ ब्लॉग्स ही रहते हैं। अभी बज रहा सुबह के 5:30 और हाँ, मैं बार बार उस टाइम उस तरफ इसलिए देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे घड़ी लगी है। सुबह के 5:30 बज रहा है। अभी मैं अपने दोस्तों को कॉल करके उठाता हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं उठाऊँगा तो वो लोग उठते ही नहीं है। मेरा काम ही है सुबह उठ के उन्हें उठाने का, वरना वो लोग जिम नहीं आते सुबह, तो उनको उठाते हैं और जिम चलते हैं। तो मिलते हैं फिर जिम में। बना ही लूँगा वीडियो, कल मैंने बनाई नहीं थी क्योंकि भाई बहुत सारे लोग देख रहे थे मुझे कि ये बंदा फ़ोन ज़मीन में रख के रिकॉर्ड क्यों कर रहा है, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड थोड़ा अजीब सा लगा, तो मैंने वो हटा दिया, वीडियो नहीं शूट करी मैंने। तो देखते हैं, अगर खाली होगा जिम तो शूट करेंगे, वरना फिर सीधा घर पर आके ब्लॉग करेंगे। ठीक है, अब मैं आ गया जिम से घर। अभी हाथ मुँह धोते हैं और फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, वही अपना डेली का रूटीन है। प्याज का जूस लगाते हैं सर पे, नहाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो। आज ऐसे जिम में बाइसेप ट्राइसेप था, शूट मैंने किया नहीं इतना, तो वही सीन है आज का। I don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we had something special till you end up all this way. एक और चूहा फंस गया भाई, कितना छोटा सा है भाई, कम से कम 10वां चूहा होगा अपने घर का, बहुत हो गया चूहे। काला पड़ गया ये, वैसे भी ये 3 लास्ट बच्चे थे, नए लाने वाला है दूसरे, और ये वे प्रोटीन और ये 1 ग्लास दूध, जो कि हमें मेरा हमेशा का रहता है ब्रेकफास्ट डेली का, तो ये खाता हूँ उसके बाद। और हाँ, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है, तो मैंने ब्लॉग तो अपलोड कर दिया था सुबह ही, लेकिन मेरी गेमिंग वीडियो मैं एडिट ही नहीं कर पाया कल रात में क्योंकि बहुत तेज़ नींद आ रही थी, मैं बाहर चला गया था, थक गया था, तो अभी एडिट करूँगा। और वाईफाई चल नहीं रहा है, तो वही एक प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी, मतलब एडिट कर दी, तो अपलोड कैसे करूँगा क्योंकि वाईफाई बिल्कुल चल ही नहीं रहा सुबह से, मैं 5 बजे से चल ही नहीं रहा। मैंने उसको 2-3 घंटे के लिए बंद कर दिया था, लेकिन तब भी नहीं चल रहा, पता नहीं उसमें नेटवर्क में कोई रेड सिग्नल दिखा रहा है। वेट करता हूँ अभी थोड़ी देर और, नहीं तो वाईफाई वालों को कॉल कर दूँगा, देखते क्या होता है। अभी वीडियो तो अपलोड कर दी ही है अभी, नहीं तो फ्रेंड के घर जाके कर दूँगा, उस पर भी वाईफाई है ऑलमोस्ट, आजकल तो सभी पे रहता हूँ ऑलमोस्ट, तो वही देखते हैं कैसे क्या होता है। तो गाइस, अभी का ये सीन है, मैंने गेमिंग वीडियो एडिट कर ली है, बस उसमें वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर करने के लिए मैं इस रूम में आऊँ, दिखाता हूँ, ये देखो ये ऊपर वाला रूम है, थोड़ा फैला है, और इसकी यहाँ पर ना खिड़की है, ये देखो अभी जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ एक यही प्रॉब्लम है। और ये देखो बाहर ही गली है, तो जितनी भी साउंड होता है ट्रैफिक का, कुत्ते भौंकते हैं, तो पूरा सारा साउंड यहीं पे आता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम होती है यहाँ पे। लेकिन मैं तब भी, और इस रूम में भाई वाईफाई का रेंज भी नहीं है, ये भी बता दूँ, अगर इस रूम में वाईफाई का रेंज हो और ये ना पूरा साउंड प्रूफ लग जाए, तो एक यूट्यूबर के लिए एक बेस्ट कमरा है भाई, और मैं इसको बनाऊँगा फ्यूचर में, क्योंकि ये देखो एकदम परफेक्ट है, ये काफ़ी बड़ा है, अभी तो काफ़ी सामान वामान फैला हुआ है, ये देख सकते हो। अगर यहाँ पे एसी लग गई और वाईफाई की रेंज यहाँ तक बढ़ गई और साउंड प्रूफ वो जो वॉल या जो भी कहते हैं उसको यहाँ पर अगर मैंने लगा दिया,
तो फिर एक प्रॉपर रूम हो जाएगा ये मेरे लिए, बन सकता है ऐसा मैंने सोच रखा है कि करूँगा मैं इसको फ्यूचर में, क्योंकि ये अगर ये सब हो जाएगा एकदम फिर शांत हो जाएगा और आराम से फिर मैं वीडियोस बना सकता हूँ, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल भी नहीं बना सकता, नीचे बहुत ज़्यादा साउंड आता है घर वालों का, मेरा एक डॉग है जैकी वही भौंकता रहता है, तो यही सीन है अभी। वीडियो तो एडिट कर लिए मैंने नीचे बैठ के, और हाँ वाईफाई बता दूँ, वाईफाई अभी भी नहीं चल रहा, मैंने उसको 3-4 बार बंद करके देख लिया है, पापा ने भी देख लिया, और उसका नंबर मेरी बहन के पास है जो कि गई है अभी ऑफिस, वो उससे अभी देखता हूँ वाईफाई वाले का नंबर मांग के कॉल वॉल करके पूछते हैं क्या सीन है, नहीं तो मैं दोस्त के घर तो चले ही जाऊँगा वीडियो अपलोड करने। और हाँ एक और बात बता दूँ, अब मेरा हाथ दर्द हो रहा है, नहीं ये नहीं बताना था कि मैंने 2 चैनल बना रखे हैं, एक वर्टेक्स गेमिंग और वर्टेक्स ब्लॉग के नाम से, ठीक है, और ये बात मतलब किसी को नहीं पता कि मैंने यूट्यूब, ये बैकग्राउंड पे जो साउंड है ना उसको इग्नोर करना, अबे यार ये कूड़े वाला आया गाना बजाते हुए, इसको जाने दो फिर इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। ओके तो वो कूड़ा वाला जा चुका है भाई, अभी तो मैं यही कह रहा था कि मेरे 2 चैनल हैं, एक वर्टेक्स गेमिंग और एक वर्टेक्स ब्लॉग, मैंने किसी को नहीं बता रखा क्योंकि अब भाई इसका मैं कुछ नहीं कर सकता बैकग्राउंड साउंड का, मैंने किसी को नहीं बता रखा क्योंकि मुझे ना सरप्राइजेस देना बहुत अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मैं घर वालों को नहीं बताऊंगा, पूरा फुल ट्राई करूंगा कि मैं लेकिन मेरी हाँ मेरी बहन और मेरा सिर्फ एक दोस्त है सौरभ, उसको पता है, उनको पता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उनको बस पता है कि मेरा गेमिंग चैनल है एक यूट्यूब चैनल, लेकिन ब्लॉगिंग चैनल के बारे में किसी को नहीं पता मेरे अभी तक तो फिलहाल, और मैं ट्राई करूँगा किसी को अभी ना पता लगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो YouTube की जो भी फर्स्ट इनकम आती है $100 वो मैं सीधा मम्मी पापा को जाके दिखाऊँ और दूँ, तो उनका मुझे रिएक्शन देखना होगा एकदम पूरा सरप्राइज और शॉकिंग वाला, तो मुझे उस रिएक्शन के लिए मैं किसी को नहीं बताना चाहता कि मैंने YouTube। तो हाँ अभी मैंने बहुत बकवास कर ली, अब सीधे वॉइस ओवर स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो दोस्त का कॉल आ जाएगा कि भाई कहाँ है जल्दी आ जा, क्योंकि काम से बाहर जाना है थोड़ा। तो अभी वॉइस ओवर स्टार्ट करते हैं और गेमिंग वीडियो अपलोड करते हैं, अगर वाईफाई चल गया तो, नहीं तो दूसरी घर जाके करना पड़ेगा। ओके गाइस तो अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, खाना आज वैसे 1 बजे खाता हूँ, 12:30 बजे खा रहा हूँ क्योंकि जाना है बाहर फ्रेंड के घर, क्योंकि कोई काम है नहीं, घर पे ही हूँ तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। और आज खाने में है ये राजमा है और रोटी, राजमा ये कल रात का बना है क्योंकि कल रात अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा हम लोग बिरयानी खाने गए थे इसलिए खाया नहीं था, रात नहीं बना था राजमा, अभी तो आलू बैंगन बना है, आलू बैंगन कौन खाता है भाई, तो राजमा खाते हैं, राजमा रोटी खाते हैं और फिर चलते हैं हम। और हाँ मुझे एक और बात कहनी थी कि मैं बाहर के ये मेरा कज़न चिल्ला रहा है बाहर के सीन्स मतलब शूट नहीं कर पाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर गाड़ी में ही चलाता हूँ, तो कैसे शूट करूँगा एक हाथ से, तो अभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब मैं बाहर की सीन नहीं दिखा पाता हूँ, पूरा ब्लॉग मेरे इस रूम में ही शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है, उसके लिए कुछ करूँगा मैं, निकलते ही बहुत कमी हूँ मैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेटली वेट ही कर रहा हूँ कि कॉलेज खुले तो थोड़े बाहर के आपको सीन्स दिखाऊँ, नए लोगों से मिलूँ, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं तो उसमें मज़ा भी आएगा। तो अभी यही सीन है, डेली ब्लॉग में यही होता है भाई, जो भी मेरी लाइफ में चलता है वही दिखाता हूँ, तो अभी फ़िलहाल तो ऐसी चल रही है बोरिंग सी, कोई नहीं अभी खाना खाते हैं और चलते हैं। तो अब मैंने खाना खा लिया है, अभी जस्ट खाना खाया और ये देखो भाई 1 बजने वाला है, और मेरे फ्रेंड ने बोला था 1 बजे घर आ जाना और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, तो भाई देखते हैं मैं पहुँच तो नहीं पाऊँगा, वैसे 5 मिनट का रास्ते ही मुझे गाड़ी निकालने में टाइम लग जाएगा, तो चलो चलते हैं अभी, इसको यहाँ रख देते हैं भाई। और ये देखो ये सब भी लगाना है, आई होप शायद ये मम्मी ही लगा दें कि भाई मुझसे ये कमरे के काम नहीं होते, कमरे वमरे साफ़ करना, बाकी कोई भी काम करा लो, कपड़े धोना कमरा साफ़ करना ये सब भाई मुझसे नहीं होगा, तो चलो अभी चलते हैं वरना 1 बज गया भाई। एक गाइस तो अभी मैं आ गया फ्रेंड के घर से, एकदम मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही क्योंकि मैंने कल रात में ही मतलब मैं सो तो जल्दी गया था, 9 बजे उठ गया था, लेकिन 3 बजे मैं उठा था, मैंने गेमिंग चैनल की वीडियो एडिट नहीं करी थी, तो वही 3 बजे उठ के मैंने एडिट किया अपलोड किया और फिर उसके बाद 5 बजे जिम चला गया, मैं सोया ही नहीं पूरे दिन, अभी 6 बज रहा है शाम के, तो कोई सोने का फ़ायदा है नहीं, तो मैंने सोचा कि ना छत पे चल के टहल लेता है कुछ, या तो बाहर जाके कुछ खा लूँगा, अंडा वंडा खा लूँगा प्रोटीन के लिए,
तो बस अभी क्योंकि अब अगर मैं बेड पे लेटा ना तो मैं सो जाऊंगा, मेरी आंखों में नींद भरी बहुत ज़्यादा, सोया ही नहीं हूँ मैं। मतलब रात के 3 बजे से उठा हूँ, 12, 13, 14, 15, 15.5 घंटे हो गए मुझे जगह पे, नींद आ रही है लेकिन सोऊंगा नहीं। तो अभी यही सीन है मेरा, ब्लॉग तो पूरे दिन भर में कमरे में शुरू होता है, कमरा भी ख़त्म हो जाता है। मुझे मुझे इसका भी कुछ करना पड़ेगा भाई। तो चलो अभी छत में मैं उठाता हूँ अपनी ईयरफोन्स, ये रही, और जा रहा हूँ छत पे टहलने, गाने आने सुनते उधर मस्त, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होगा, नहीं तो अगर मैं इधर लेट गया ना मैं सो जाऊँगा। ओके गाइस, तो अभी मैं छत पे टहल रहा हूँ, बहुत अंधेरा हो गया, ये देख लो, ये रही मेरी छत और कुछ दिख नहीं रहा। आधे घंटे से सॉन्ग ही सुन रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी चलते हैं नीचे, नीचे का बॉयलर खा के आते हैं, अंडा वंडा खा के आते हैं। तो मैंने अब खाना खा लिया है और जैसा कि देख सकते हो मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है। अभी वीडियो एडिट करते हैं, उसके बाद मैं सो जाऊँगा। तो अगर आप सबने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।